नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम 17000 प्लस लाइव दिखा रहा हूं दोस्तों। पोस्ट एएनएम और फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन और जो भी पोस्ट हैं वेटिंग लिस्ट की, दोस्तों धरना प्रदर्शन के लिए अभ्यर्थी आए हुए थे लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाया है। एनएचएम ऑफिस पर मैम अभी तक नहीं आई हैं और मैम दोस्तों हैं एनएक्सी भवन के पास हैं, सचिवालय के पास में हैं दोस्तों। और अभी मैं आप लोग को सारी अपडेट बता रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को स्किप एकदम ना करिएगा, सब चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। हम लोग दोस्तों एनएक्सी भवन जा रहे हैं, यूपी एनएचएम ऑफिस में कोई काम नहीं हुआ, मैं वहाँ एनएक्सी भवन पर हैं। देखिए अब हम लोग सब लोग पहुँच गए हैं, अभी यहाँ पर पास बनेगा, पास बनने के बाद फिर अभी एंट्री मिलेगी। 20 मिनट का हम लोग को समय दिया गया है कि अभी 20 मिनट में आप लोग को बताया जाएगा। और यहाँ एनएक्सी भवन में पास बनता है दोस्तों, उसके बाद ही जो है कुछ वहाँ से सूचना निकल पाएगी। इसके पहले सभी लोग पहुँचे थे, स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक सर जी से मुलाकात किए। स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, मैम से बात करिए, मैं यहाँ से फ़ोन कर दे रहा हूँ। तो वहाँ से आश्वासन दोस्तों मिल गया था। अब यहाँ पर मैम एनएचएम ऑफिस से आना उनका नामुमकिन है दोस्तों, यहाँ पर नहीं आएंगी, इसीलिए जो है वहाँ से ये पता चला कि अब आप एनएक्सी भवन जाइए, वहाँ पास बनवाइए, वहीं पर मिलिए, अपनी बातों को रखिए। तो दोस्तों हम लोग आए हुए हैं, बात भी हो गई है और बात में ये हुआ कि अभी 20 मिनट के बाद जो है आप लोग को कॉल बैक करके बताया जाएगा कि क्या जो है होगा, मिलने के लिए आदेश होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर पास बनता है दोस्तों, आप लोग को पता ही है, पास होने के बाद जैसा कुछ रहेगा वह सब बताया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जो भी न्यूज़ निकल कर आएगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।